चाहे रामपुर हो या अन्य जगह हो, लोग स्वतंत्र ढंग से और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। निष्पक्षता पर भी समाजवादी ने सवाल खड़ा किया है। देखो, ये तो कभी कभी क्या होता है, चुनाव से रिजल्ट का एहसास होने के बाद लोग पेशीन गोई और भूमिका बनाते हैं। तो ये पेशीन गोई और भूमिका है, कभी लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे तो कभी कुछ और किसी पे फोड़ेंगे, तो इस तरह की भूमिकाओं से जो है वो आपकी आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। आजम खान ने कहा है वोट देने का अधिकार छीना है, वोट मांगने का अधिकार छीना गया है। बिल्कुल है, किसने कहा है कि वोट मांगने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि जो अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत थी वो अब समावेशी विकास की इबारत बन चुकी है और उसमें फर्क हो चुका है। अब जो पहले लोग अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत करते थे, आज समावेशी विकास की उसकी इबारत की वजह से जो है वो तमाम वो दुकानें जो दुकानें की जाति के नाम पे धर्म के नाम पे ठेकेदारी करती थी, वो आज जो है वो वहाँ तंगी और मंदी और तालाबंदी की हालत खड़ी हुई है। दो दिन में दो मुकदमे हुए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।